पलंग वलंग चौकी उकी सब उठा ले गया, कल तोड़ दिया लो, सब उठा ले गया लो। कल सब तोड़ दिया है? हाँ सब कल सब तोड़ दिया। हम लोग बहुत प्यार करते हैं, बच्चा बच्चा भी प्यार करते हैं, उनके लिए हम जान भी दे देंगे। हाँ। हर हर हद तक गिर जाएंगे। कुर्की जब्ती में मनीष कश्यप के घर से पानी पीने वाला कल तक को नहीं छोड़े, नहीं छोड़े हैं। हर सामान घर से चला गया है, कोई सामान चला गया, कोई सामान। तो पुलिस गिरफ्तार किया है, लेकर जाए चाहे कुछ भी करे, सुबह तक रिहाई नहीं मिलेगा, तो हम लोग धरना पे बैठेंगे। तेजस्वी बोलता है की हम सबको घर घर में नौकरी देंगे, कहाँ से लगेगा? अपने बाप के घर से देगा, अपने बाप के घर से लाएगा नौकरी? आज हम आवाज उठाए, हमारे घर पे कुप्ती जब्ती करेगा ये लोग, करेगा ना, तो क्या लेकर जाएगा? दुगो फाटक है घर में, आ दुगो बकरी है, एगो चौकी है, दुगो मचान है, आ ज्यादा ज्यादा खिसियागा पुलिस थाना तो मेरा छप्पर उखाड़ कर ले जाएगा। अच्छा। तो मनीष कश्यप भैया का जो जेल में डाला है लोग ना, सुबह तक रिहाई नहीं होगा तो सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। गया था रक्सौल में वोट मांगने के लिए, गया था ना। अच्छा। हेलीकॉप्टर से उतरा, ऐसे बोल रहे हैं नमस्कार, चप्पल जूता का बारिश होने लग गया। किस पे बारिश होने लगा? तेजस्वी पर। और बैठेंगे हम लोग धरना पे, बैठने से छूट जाएंगे वो, उनको छोड़ना ही है, उनको छोड़ना ही है, नहीं छोड़ेंगे तो धरना पर बैठ जाएंगे, धरना पर बैठ जाएंगे, जब तक और रिया नहीं करेंगे, जब तक नहीं छोड़ेंगे। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि इसको बंद करो। कहाँ पे बंद करो? उसका बाप का घर है क्या? इधर बंद कर देगा। दोस्तों इस वक्त हम मनीष कश्यप के घर पे हैं, जहाँ पे कुर्की जब्ती हुआ है, और हमारे साथ देखिए सभी लोग जो हैं मनीष कश्यप के सपोर्ट में यहाँ अभी भी शाम तक उनके घर पे खड़े हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रोहित कुमार है, हमारा घर सिंहासनी है, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है हमारा घर। यहाँ मनीष कश्यप के घर पे क्या कर रहे हैं? हम आए थे आज मिलने, हमको पता लगा कि मनीष भैया घर पे कुप्ती जब्ती हुआ है। तो हम आए मनीष भैया से मिलने, और यहाँ के लोग बोल रहे हैं कि उनका वो जो जेल हो गया है, मतलब हम ज्यादा नहीं जानते, जेल हो गया है। तो हम यही बोलेंगे, मनीष भैया से हम लोग बहुत प्यार करते हैं, बच्चा बच्चा भी प्यार करते हैं, उनके लिए हम जान भी दे देंगे। हर हद तक गिर जाएंगे हम लोग। पुलिस तो उनको गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस गिरफ्तार किया है, लेकर जाए चाहे कुछ भी करे, सुबह तक रिहाई नहीं मिलेगा, तो हम लोग धरना पे बैठेंगे। धरना पे बैठेंगे। उसके लिए तोड़ फोड़ करने का भी जरूरत है तो वो भी करेंगे। लेकिन मनीष कश्यप के लिए इतना प्यार क्यों? मनीष कश्यप के लिए इतना प्यार इसलिए कि वो गरीब जितना भी गरीबों का मसीहा है। बिहार पुलिस ने उनके यहाँ पे बसते हैं मनीष कश्यप भैया। क्या बात है, लेकिन जो कुर्की जब्ती हुआ ये सही हुआ है? ये सही नहीं हुआ है। आज हम आवाज उठाए, हमारे घर पे कुप्ती जब्ती करेगा ये लोग, करेगा ना, तो क्या लेकर जाएगा? दुगो फाटक है घर में, आ दुगो बकरी है, एगो चौकी है, दुगो मचान है, आ ज्यादा ज्यादा खिसियागा पुलिस थाना तो मेरा छप्पर उखाड़ कर ले जाएगा। अच्छा। क्या लेकर जाएगा? यानी कि आपके घर भी कुर्की जब्ती आप ये चाहते हैं? करे ना, तो क्या करेगा? हाँ। क्या? मतलब क्या लेकर जाएगा? अपने थाने में बकरी हमारे ले जाकर बांधेगा, मुतुआएगा, दूसरा क्या करेगा? कुर्की जब्ती होने से परिवार वालों पे कितना गलत असर पड़ता है पता? गलत असर पड़े चाहे ना पड़े, हमारा गाँव तो इतना खतरनाक है ना कि 25 को मर्डर हो जाएगा तो नदी में बह जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। आ ये जो मनीष कश्यप भैया का जो जेल में डाला है लोग ना, सुबह तक रिहाई नहीं होगा तो सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। जितना बंद सब स्टार्ट। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि इसको बंद करो। कहाँ पे बंद करो? उसका बाप का घर है क्या? इधर बंद कर देगा। गया था रक्सौल में वोट मांगने के लिए, गया था ना। अच्छा। हेलीकॉप्टर से उतरा, ऐसे बोल रहे हैं नमस्कार, चप्पल जूता का बारिश होने लग गया। किस पे बारिश होने लगा? तेजस्वी पे। और किस पे? यही ना प्यार है पब्लिक का। अभी मनीष कश्यप भैया जो निकले गरीबों का मसीहा, उनको अंदर डाल दिया गया। अब देख लीजिए कहीं ना कहीं दूर दूर से, कितने दूर से आए हैं सपोर्ट करने के? मैं 25 किलोमीटर से आया हूँ। 25 किलोमीटर दूर से आए हैं? मेरा घर है 25 किलोमीटर। बच्चा बच्चा उनसे प्यार करता है मनीष भैया से, और प्यार करेगा भी क्योंकि वो यहाँ पे बसते हैं, दिल में बसते हैं मनीष कश्यप। जिगर में। देखिए अभी यहाँ पे इनके घर पे, यानी मनीष कश्यप का ये जो घर है पीछे, एक बार दिखा दीजिए, इन्हीं के घर पे सभी लोग मौजूद हैं, कहीं ना कहीं सपोर्ट में आए हैं। उनके घर पे कुर्की जब्ती हुआ इसलिए ये लोग आनंद फानन में दौड़े दौड़े आए मनीष भैया के घर, है कि नहीं? हम आए हैं मनीष भैया, सुबह तक रिहाई नहीं होंगे तो हम लोग धरना पे बैठेंगे, तो क्लियर है। ये पता कि यही हो जाएगा? आज तो शनिवार है और कल संडे है तो कोर्ट बंद रहेगा। सोमवार यानी मंगलवार तक रिहाई नहीं होता है तो हम लोग धरना पे बैठेंगे। हम लोग धरना पे बैठने से छूट जाएंगे वो, तो उनको छोड़ना ही है, उनको छोड़ना ही है, नहीं छोड़ेंगे तो धरना पर बैठ जाएंगे, धरना पर बैठ जाएंगे, जब तक और रिहा नहीं करेंगे, जब तक नहीं छूटेंगे तब शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, जब तक वो छूटे। सड़क देखिए, यहाँ पे राज किया नीतीश कुमार, लालू यादव, ये दोनों का सरकार सबसे ज्यादा दिन बिहार में टिका है। और बिहार में सबसे ज्यादा दिन इन्हीं का सरकार चला है। बिहार में किधर रोजगार किसको मिला है? बिहार में जो सरकार है उसे खुश नहीं है? नहीं है, कोई खुश नहीं है।
कोई खुश नहीं, कोई खुश नहीं है सरकार से। ये तेजस्वी बोलता है कि हम सबको घर घर में नौकरी देंगे, कहाँ से लगे अपने बाप के घर से देगा? अपने बाप के घर से लाएगा नौकरी? नौकरी मतलब नहीं मिलेगा, नौकरी मिलेगा ही नहीं। हम लोग सुबह में दौड़ लगाते हैं, हम लोग मेहनत कर कर अपना 2-4 कट्ठा जमीन बेच कर, खेत बाड़ी बेच कर, कमा कर, जमा कर कर कमीशन भर कर नौकरी हासिल करते हैं। उसके बाप के घर से तो नहीं ना लाते हैं। मनीष कश्यप के आप घर पे आए हुए हैं, क्या सपोर्ट कर रहे हैं? हम सपोर्ट करेंगे मनीष भैया के लिए, उनसे बच्चा बच्चा प्यार करता है और करेगा। आपसे बोल दिए ना कि शेर का जिगर है उसका। मनीष कश्यप की मम्मी जो है परेशान है, हताश है, आप लोग उनके साथ हैं? हम लोग सब साथ हैं उनके। फुल सपोर्ट मिलेगा उनके लिए, जान भी देंगे हम। तुम लोग यहीं के हो बाबू? तुम लोग क्या, हाँ क्या कह रहे हो? बताओ, इतना हल्ला कर रहे हो काहे ला? मनीष भैया के लाने के लिए? हाँ, कहाँ गए हैं वो? थाने में। हाँ, काहे लगे हैं पता है? नहीं। हाँ, लेकिन बुलाना चाहते हो? हाँ। पुलिस वाला गलत किया है? हाँ। क्या क्या लेके गया है इनके घर से? पलंग वलंग चौकी सब उठा ले गया, कॉल तोड़ दिया है, सब उठा ले गया है। कॉल वॉल सब तोड़ दिया है? हाँ, सब कॉल वॉल सब तोड़ दिया है। क्या बोल रहा है बाबू? नून तेल छोड़ लगाई नहीं क्या? नमक तेल सब लेके गया? जी सर, सब एक झाड़ू तक नहीं छोड़ा है। चप्पल जूता सब देख लीजिए। ये मनीष कश्यप के घर पे जो है कुर्की जब्ती में हर एक चीजों को उठा कर लेकर बिहार पुलिस चला गया है, यहाँ तक कि पानी पीने वाला कल को भी नहीं छोड़ा है कि नहीं? जी यहाँ पे थे आप लोग ना? जी जब आए पुलिस आए लोग तब थे, तब से यहाँ पे मौजूद है। और ये सभी लोग जो है सपोर्ट में खड़े हैं और लगातार जो है सपोर्ट में खड़े रहेंगे जब तक कि उनको रिहा ना कर दिया जाए। जी एकदम। हाँ, सपोर्ट में खड़ा नहीं है लोग, हम लोग उनके लिए हमेशा हमेशा से है। खड़ा थे और क्योंकि वो अभी सामने दिखाने के लिए सपोर्ट है, लेकिन दिल में वही बात है कि मनीष भैया के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों से मेरा ये विनती है, उनकी मम्मी जो है उनका ध्यान रखिएगा, उनकी मम्मी का पूरा ध्यान रखिएगा। चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट में जाके फटाफट से तुरंत बता दीजिएगा। तब तक लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।